Hey guys, back to Learn to My name is लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ देखिए, ये है स्टैटिस्टिक्स और ये स्टैटिस्टिक्स क्या बता रहे हैं देखिए स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि 71.3 परसेंट जो व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर है जो चैनल के वो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं बहुत कम बचता हूँ इस चीज को बोलने से लेकिन मुझे लगता है आपको बोलना ही पड़ेगा हर वीडियो में कि प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर इट प्लीज शेयर इट क्योंकि कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट का एक आधा ग्रुप होता है जिसपे वो शेयर कर सकते हैं तो प्लीज उस ग्रुप में जाके वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप लाइक कर रहे हैं वीडियोज को तो प्लीज उसे शेयर करना मत भूलिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ ठीक है आई होप आप लोग इस चीज को याद रखेंगे सो so, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कॉर्नर्स टोपली मॉडल ठीक है इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी ओलगोपोली की ठीक है अब ओलिगोपोली में हमने कहा था कि फ्यू फर्म्स होती हैं है ना ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स होती हैं जबकि हमने बताया था आपको मोनोपोलिस जो मार्केट होती है उसमें कितनी फर्म्स होती हैं उसमें मैनी फर्म्स होती हैं मैनी सेलर होते हैं लेकिन इसमें क्या होते हैं फ्यू सेलर होते हैं अब ये फ्यू और मैनी के बीच में डिफरेंस कितना होता है ये डिफरेंस हमें बेसिकली पता नहीं है कि मैनी कितनी फर्म्स होंगी और फ्यू कितनी फर्म्स होंगी लेकिन यूजली क्या माना जाता है दो से दस अगर फर्म्स होंगी तो उसे हम ओलिगोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं मतलब वहां पर हम ठीक है अब इसमें एक फर्म क्यों नहीं ली मैंने क्योंकि अगर एक का केस हो जाएगा तो वो मोनोपोली का केस हो जाएगा

डिमांड कब नहीं होती यानी कि उसमें इक्लिबीरियम नहीं निकाला जा सकता हाँ लेकिन इक्लिबीरियम निकालने की कुछ कंडीशन है इन इन कंडीशन में इक्लिबीरियम निकाला जा सकता है वो कौन सी कंडीशन है या तो ओलिकोपोलिस फर्म ये मान ले कि वो अपने राइवल पे डिपेंड नहीं करती यानी कि वो कितना ही प्राइस चेंज करे कितना ही आउटपुट चेंज करे उनका राइवल प्राइस और आउटपुट चेंज नहीं करेगा तो उनको एक अपनी डिमांड कर मान लेंगे वो अपनी और उस हिसाब से वो इक्लिबीरियम पे आ जाएंगे तो इसके बेस पे मॉडल दिए गए थे कॉर्नोट ने मॉडल दिया था और कॉर्नोट ने मॉडल में क्या कहा था एक फर्म अपना आउटपुट जितना मर्जी चाहे चेंज करती रहती है ये मान के उसकी राइवल आउटपुट चेंज नहीं करेगी और बर्टन ने कहा था एक फर्म अपना प्राइस चेंज करती रहती है ये मान के कि उसकी राइवल फर्म जो है प्राइस चेंज नहीं करेगी वहीं पे एक और मॉडल था जो था एजवर्थ का मॉडल और एजवर्थ ने कहा था कि एक फर्म अपना प्राइस चेंज करती रहती है यही मान के कि उसकी राइवल फर्म प्राइस चेंज नहीं करेगी तो इन तीनों मॉडल की हम एक एक करके बात करेंगे ठीक है लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं के मॉडल की ओके इसके अलावा मैंने और भी आपको वैसे बताई थी एक ब्रीफ आइडिया दे, दे देता हूं मैं आपको कि ओलगोपोलिस्ट या तो इग्नोर कर देती है इंटरडिपेंडेंस या फिर प्रिडिक्ट कर लेती है अपने राइवल का मूव कि अगर मैं इतना प्राइस चेंज करूं तो मेरा राइवल कितना प्राइस चेंज करेगा इससे क्या होता है कि उन्हें पता लग जाता है कि उनकी डिमांड कर क्या होगी ठीक है कितनी उनके प्रोडक्ट की डिमांड होगी और अगर डिमांड कर पता लग गया तो हम इक्लिबीरियम निकाल सकते हैं वहीं पे तीसरी कंडीशन मैंने आपको दी थी कि ये ओलिगोपोलिस रिकोगनाइज कर ले इंटरडिपेंडेंस यानी कि उन्हें पता लग जाए कि हम इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और वो कुछ स्टेप ले ले स्टेप कैसे ले ले वो कल्यूजिव ऑलिगोपोली कर ले और कोल्यूजिव ऑलिगोपॉली में केस में क्या होता है फर्म्स अपना ग्रुप बना लेती है कार्टल बना लेती है और वो ग्रुप डिसाइड करता है कि, कि कितना प्राइस होगा और कितना आउटपुट होगा और उस आउटपुट और प्राइस पे क्या होता है सबको बेनिफिट हो जाता है ठीक है या फिर वो क्या होता है प्राइस लीडरशिप करती है ठीक है एक फर्म प्राइस डिसाइड करती है और बाकी फर्म उसे फॉलो करती है

ठीक है और ये सेलर जो है वो मिनरल वाटर सेल कर रहे हैं मिनरल वाटर सेल करने का क्या मतलब है कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विद नो कॉस्ट ऑफ तो प्रोडक्शन नो कॉस्ट ऑफ तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इस केस में क्या है जीरो देखिए यहाँ पे नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने माना है लेकिन अगर कॉस्ट पॉजिटिव भी भी होगा तब भी ये केस जो है वैलिड रहेगा ये कॉर्नट का मॉडल जो है वैलिड रहेगा लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने माना है नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहीं पे ड्यूप्ली का केस भी हमने सिंप्लिसिटी के लिए माना था कॉर्नट के इसके बाद ड्यूप्ली के बाद और फॉर्म भी एड कर दी गई थी यानी कि और दो से ज्यादा अगर फॉर्म होगी तब भी ये केस जो है कॉर्नट मॉडल का वैलिड रहता है लेकिन कॉर्नट ने जो माना था वो माना था दो फॉर्म का ओके okay? तो इसकी तीसरी एज्पशन है कि डोपलिस को पता है कि मार्केट डिमांड कर कैसी है उसकी और वो उसने मानी है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन यानी कि ऐसे होगी डोपलिस की डिमांड कर ओके okay? तो इसके बाद एजम्पन है कि डोपलिस्ट विल डिसाइड अमाउंट ऑफ आउटपुट विच इज मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर हिम डोपलिस जो है वो अपना वो आउटपुट डिसाइड करेगा जो उसके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल हो ये अज्यूम करके कि उसका राइवल जो है अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगा यानी कि इस केस में क्या होता है कि डोपोलिस जो है यानी कि डोपलिस्ट में जो दो फर्म है वो दोनों फर्म ये मानेंगी कि हम जितना मर्जी आउटपुट चेंज कर लें। लेकिन हमारा जो राइवल है वो आउटपुट चेंज नहीं करेगा तो हम यहाँ पे केस लेंगे एक फर्म ए का और एक फर्म बी का तो आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे हमने लिया है प्राइस और यहाँ पे हमने लिया है आउटपुट यानी कि एक्स एक्सिस पे लिया है हमने आउटपुट और वाई एक्सिस पे लिया है हमने प्राइस और रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू भी कह सकते हैं इधर इधर हम लेंगे प्राइस और रेवेन्यू और इधर हम लेंगे आउटपुट ठीक है ये मान ली हमने डिमांड कब ये हमारी डिमांड कर्व है फर्म ए की अभी मार्केट में एक ही फर्म है अगर एक ही फर्म है तो यानी कि वो की तरह वर्क करेगी और इसकी मार्जिन रेवेन्यू कब कैसी आ जाएगी ऐसी आ जाएगी और ये मार्जिन रेवेन्यू कर हमारी फर्म ए की अब हमें पता है कि फर्म ए का इक्लिबीरियम कब होगा जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू होता है ठीक है अब मार्जिनल कॉस्ट हमने माना है जीरो होता है तो मार्जिन रेवेन्यू भी इस केस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके तो यानी कि इक्लिबीरियम कहाँ पे होगा जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू जीरो है तो यानी हमारी फर्म इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है जो फर्म है और इस आउटपुट पे उसकी डिमांड कितनी है यहाँ तक ये और ये प्राइस है तो यानी कि इतना वो प्रॉफिट कमा रही है यहाँ पे ये सारा प्रॉफिट है प्रॉफिट क्यों है क्योंकि कॉस्ट तो जीरो है मार्जिनल कॉस्ट जीरो है तो वो जितना भी कमा रही है सारा का सारा प्रॉफिट है अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू में जीरो होता है तो इलासिटी क्या होती है वन होती है तो यानी कि इस पॉइंट पे डिमांड कर पे इलासिटी क्या होगी वन होगी और जब इलासिटी वन होती है तो वो कौन सा पॉइंट होता है मिडल पॉइंट होता है अब मार्केट में टोटल डिमांड कितनी थी ओ से लेके डी तक ये टोटल डिमांड थी हमारी ठीक है हमारी फर्म प्रोड्यूस कितना कर रही है इतना यानी कि इस डिमांड कर का हाफ यानी हमें यह पता जरूर लग गया है कि फर्म जो है अगर उसका कॉस्ट जीरो है 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 मार्जिनल कॉस्ट जीरो तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है, जब वो टोटल डिमांड का हाफ प्रोड्यूस कर रही हो ओके okay? अब क्या हुआ इधर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो हमारी दूसरी फर्म एंटर हुई और वो दूसरी फर्म का नाम हमने दिया है फर्म बी ओके अब फर्म बी जो हमारी है उस फर्म बी मानेगी कि हमारी फर्म ए जो है वो यहाँ तक आउटपुट का प्रोडक्शन कर रही है ओ एन तक ठीक है अब ये ओ एन तक प्रोडक्शन कर रही है तो यानी कि ये मैं कितना मर्जी प्रोडक्शन कर लू ये अपना प्रोडक्शन चेंज नहीं करेगी अब मार्केट में डिमांड कितनी रह गई है इतनी रह गई है इससे ऊपर वाली डिमांड को कौन फुलफिल कर रहा है इससे ऊपर वाली डिमांड को फुलफिल कर रही है हमारी दूसरी फॉर्म फॉर्म ए ठीक है अब इससे नीचे वाली डिमांड को फुलफिल करना है फॉर्म बी ने तो फॉर्म बी इससे आगे वाली डिमांड को अपनी डिमांड कर्व मान लेगी ठीक है अब ये इसकी डिमांड कर्व होगी तो इसकी मार्जिन रेवेन्यू कर ये हो जाएगी ये फर्म बी की मार्जिन रेवेन्यू कर् होगी अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इसकी ये होगी तो ये पे प्रोडक्शन करेगी जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जीरो है तो मार्जिन रेवेन्यू भी जीरो होगा और हमें पता है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू जीरो हो वहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है डिमांड कर का मिडिल पॉइंट होता है तो यहाँ यहाँ तक ये प्रोडक्शन करेगी इस पॉइंट का मान लेते हैं एल पॉइंट ठीक है तो यहाँ तक ये प्रोडक्शन करेगी और ये प्राइस होगा अब आउटपुट पहले कितना था ओ एन था ओके okay. अब आउटपुट बढ़ के कितना हो गया ओ से लेके हो गया यहाँ तक हम इसे OC मान लेते हैं ये ओ सी तक पहुंच गया ओके okay. तो यानी कि आउटपुट बढ़ गया आउटपुट बढ़ने से क्या हो गया प्राइस कम हो गया और मार्केट में कितना इस टाइम प्रोडक्शन हो रहा है इतना प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें से इतना तो है फॉर्म ए प्रोड्यूस कर रही है और ये फॉर्म बी प्रोड्यूस कर रही है ठीक है अब फॉर्म बी ने कितना प्रोड्यूस किया इतनी डिमांड बची हुई थी उसका हाफ प्रोड्यूस किया तो फॉर्म बी ने कितना प्रोड्यूस किया हाफ ऑफ टोटल डिमांड और फॉर्म बी की टोटल डिमांड कितनी थी वो ऑलरेडी हाफ थी टोटल डिमांड की यानी कि वन माइनस हाफ ये कितना बच गया वन बाई टू इंटू वन बाई तो यानी कि फर्म ए हमारा प्रोड्यूस कर रही है टोटल डिमांड का हाफ और फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है टोटल डिमांड का वन बाई फोर अब प्राइस हो गया कम प्राइस कम होने से फर्म ए का हो गया प्रॉफिट कम ठीक है अब फर्म ए का प्रॉफिट कम हो गया तो फर्म ए क्या करेगी द्वारा से अपना आउटपुट डिसाइड करेगी और ये सोच के अपना आउटपुट डिसाइड करेगी कि फर्म बी अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी तो अब फर्म ए कितना प्रोडक्शन करेगी फर्म ए सोचेगी कि जो मार्केट में बची हुई डिमांड है जितना फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है उसके अलावा जितना भी बच गया मैं उसका हाफ प्रोड्यूस कर लेती हूं तो उससे क्या हो जाएगा मेरा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आउटपुट ये कम करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो ये अपने आउटपुट को कम करेगी कितना कम करेगी ये हाफ प्रोडक्शन करेगी कितने का जो बी प्रोड्यूस कर रही है उसके अलावा जो बच गया और टोटल कितना था वन बी कितना प्रोड्यूस कर रही है वन बाय फोर तो बचेगा कितना वन बाय टू इंटू थ्री बाय फोर तो यानी कि फर्म ए जो हमारा प्रोडक्शन करेगी वो थ्री बाय एट करेगी इसी तरह ये वॉर चलती रहेगी फर्म ए क्या करती रहेगी अपना आउटपुट कम करती रहेगी प्राइस को बढ़ाने के लिए और फर्म बी क्या करती रहेगी अपना आउटपुट बढ़ाती रहेगी इस तरह वॉर चलती रहेगी जब तक दोनों कितने पे ना आ जाए वन थर्ड पे ना आ जाए अब मैंने ये क्यों चूज किया है? कि दोनों वन थर्ड ऑफ तो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी क्योंकि अगर मान लीजिए फर्म ए फिर डिसाइड करती है कि मैं हाफ प्रोड्यूस करूं जितना फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है उसके बाद जो बच गया उसका तो क्या करेगी ये हाफ प्रोड्यूस करेगी कितने का वन माइनस वन बाय थ्री यानी कि जो फॉर्म बी प्रोड्यूस कर रही है उसके अलावा जो बच गया उसका हाफ प्रोड्यूस करेगी तो हाफ वन माइनस वन बाय थ्री कितना होता है ये होता है टू बाई थ्री तो टू से टू गया कितना आ गया वन बाय थ्री तो यानी कि इसे इतना प्रोड्यूस करना चाहिए और इतना तो ये ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है सेम ही होगा फर्म बी का केस अगर फर्म बी डिसाइड करे कि मैं फम ए जितना प्रोड्यूस कर रही है उसके अलावा जितना भी बच गया सब उसका हाफ प्रोड्यूस कर लेती हूँ तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगी हाफ वन माइनस वन बाय यानी कि ये वन बाई ये प्रोड्यूस करेगी इसलिए क्या होता है कि ईच फर्म प्रोड्यूस करेगी वन बाय ऑफ टोटल डिमांड या टोटल आउटपुट ठीक है और टोटल कितना मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री इजिकल टू में टू बाई थ्री तो so, हमें एक बात पता चल गई कि टोटल प्रोडक्शन मार्केट में होगा टू बाई थ्री ऑफ टोटल डिमांड और ईच फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी वन बाय थर्ड ऑफ टोटल डिमांड ठीक है तो ये कॉर्नर मॉडल ऑफ ड्योपली टेबल इक्विबीरियम जब होता है तब टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता है टू बाय थर्ड ऑफ टोटल डिमांड एंड ईच प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा होता है ऑफ टोटल टोटल डिमांड डिमांड कितनी है हमारी ओ डी ओ से लेके डी तक ये हमारी टोटल डिमांड है ओके okay? तो यहां से एक formula निकल के आता है कि नंबर ऑफ फर्म्स अगर एन है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना कर रही होंगी वो मार्केट में वो प्रोड्यूस कर रही होंगी एन अपोन में एन प्लस वन और ईच फर्म प्रोड्यूशन कर रही होगी वन अपोन में एन प्लस वन ऑफ टोटल डिमांड टोटल मार्केट में प्रोडक्शन हो रही होगी एन अपोन में एन प्लस वन ऑफ टोटल डिमांड ईच फॉर्म प्रोड्यूस कर रही होगी वन अपोन में एन प्लस वन ऑफ टोटल डिमांड अगर यहाँ हम एन की जगह दो रखें जैसा कि हमने के केस में अभी किया अगर एन की जगह दो रखें तो हमारा आ जाएगा दो बटे तीन ऑफ टोटल डिमांड ये तो होगी मार्केट की टोटल प्रोडक्शन हो रही होगी जो और ईच फॉर्म कितना प्रोड्यूस कर रही होगी वन अपोन में टू प्लस वन इजिकल टू में वन अपोन में थ्री ऑफ टोटल डिमांड ये मैंने आपको बता दिया ठीक है तो अब आपको कभी भी कितनी मर्जी फॉर्म दी हो अगर सो फॉर्म दी हैं और पूछ ले कि मार्केट में टोटल आउटपुट कितना होगा या मार्केट में टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी फॉर्म्स की इनकी तो इनकी प्रोडक्शन होगी सो बटे में एक एक ऑफ टोटल डिमांड टोटल प्रोडक्शन होगी और ईच फॉर्म कितना प्रोड्यूस कर रही होगी वन अपॉन में वन ऑफ

तीन तीन में से दो हिस्से टोटल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ये फर्म कर रही है एक ये फर्म कर रही है ठीक है तो टोटल डिमांड की टू बाई थर्ड प्रोडक्शन हो रही है ओके अब हम इस केस को कंपेयर कर लेते हैं मोनोप्ली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन से यानी कि कॉर्नर डोपली मॉडल में जो इली आया है उसको हम मोनोपली से कंपेयर करेंगे और फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन से कंपेयर करेंगे देखिए ये हमारा फिगर है ये हमारी टोटल प्रोडक्शन कर रही है कॉर्नर डोपली मॉडल में फॉर्म ये फर्म ए प्रोडक्शन कर रही है ये फर्म बी प्रोडक्शन कर रही है अब अगर इस केस की जगह मोनोपली का केस होता तो मोनोपली के केस में दोनों फर्म क्या करती मिलकर ग्रुप बना लेती एक ग्रुप बना लेती और एज ए मोनोपली ये क्या करती खुद को ट्रीट करती क्योंकि इन दोनों का कोई कम्पिटेटर नहीं होता फिर मार्केट में और अगर मार्केट में कम्पिटेटर नहीं होता तो ये क्या करती अपना प्राइस बढ़ा लेती और आउटपुट को कम कर लेती यानी ओ आउटपुट से कम कर लेती और प्राइस को इंक्रीज कर लेती तो हमें एक चीज़ पता लगी कि मोनोपली के केस में जो होता है प्राइस ग्रेटर होता है कॉर्नट के केस में प्राइस कम होता है और मोनोपली के केस में आउटपुट कम होता है जबकि कॉर्नट के केस में आउटपुट ज्यादा होता है आप यहाँ देख सकते हैं मोनोपली के केस में आउटपुट कितना है इतना ओ एन जबकि कॉर्नट के केस में कितना था वो टी तक ठीक है यानी कि आउटपुट ज्यादा था और मोनोपली के केस में प्राइस कितना है इतना जबकि कॉर्नट के केस में प्राइस कितना है इतना हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉर्नट के केस में है प्राइस मोनोपली के प्राइस का टू थर्ड है कैसे देखिए अगर इसे हम तीन इक्वल हिस्से में बांटे एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये अब इन तीन हिस्सों में देख सकते हैं कॉर्नोट इक्लिबीरियम में फर्म कितना चार्ज कर रही है ये दो हिस्सों के इक्वल ठीक है और मोनोपली में कितना चार्ज हो रहा था इतना तो हम कह सकते हैं कि में जो प्राइस होगा वो कम होगा मोनोपली से और कितना कम होगा टू थर्ड होगा वो मोनोपली के प्राइस का तो कॉर्नोट इक्वीरियम में प्राइस इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ मोनोपली प्राइस एक चीज हमें ये पता लग गई ये आपको याद रखना हमेशा ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाता है जो कॉर्नोट इक्वीरियम में प्राइस होता है वो टू थर्ड होता है मोनोपली के प्राइस का अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन से देखिए परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या था हमें पता है कि प्राइस इज इक्वल टू में मार्जिनल कॉस्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये फिगर आप देख सकते हैं फिगर में क्या है ये प्राइस लाइन है जिसे मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर भी कहते हैं ठीक है ये मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू है इक्वीरियम पे ठीक है और हमें पता है मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू में एवरेज रेवेन्यू होता है और एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस कहते तो हम कह सकते हैं प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है इक्लिबीरियम पॉइंट पे ठीक है तो अगर ये परफेक्ट कॉम्प्टिशन कास होता तो इक्लीबीरियम पॉइंट पे मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू में प्राइस होता ये हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट इस केस में क्या है जीरो है तो प्राइस भी क्या होता है जीरो होता और अगर प्राइस जीरो है तो मार्केट में आउटपुट कितना सेल होता टोटल आउटपुट यानी कि सेल यहाँ तक होती पूरी ठीक है तो यानी कि फर्म इतना प्रोडक्शन कर रही होती अगर ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस होता तो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस है और मार्जिनल कॉस्ट जीरो है तो फर्म क्या है जितनी डिमांड है सारा का सारा प्रोडक्शन करेगी लेकिन कॉर्नोट इक्वीरियम के केस में आउटपुट कितना है यहाँ तक यानी कि टोटल आउटपुट का टू थर्ड ठीक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के के केस में कितना था मैक्सिमम आउटपुट था तो हम कह सकते हैं कि कॉर्नोट के केस में जो आउटपुट होता है वो टू थर्ड होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के इक्लिबीरियम में जो आउटपुट होता है उससे ठीक है तो अब हमें दो चीज़ें पता लगी कि कॉर्नट इक्बीरियम के केस में जो प्राइस होता है वो टू थर्ड होता है मोनोपली इक्लिबीरियम के प्राइस का और कॉर्नट इक्बीरियम में जो आउटपुट होता है वो टू थर्ड होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के इक्िबीरियम के आउटपुट का तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है तो ये सब था कॉर्नट इक्बीरियम के बारे में अब जो जो हमने पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं देखिए हमने ये पढ़ी थी एक तो ये डुप्ली का केस होता है दो सैलर होते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो जीरो होता है यानी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो जीरो होती है मार्केट डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती है और जो डुप्लिस्ट है वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल आउटपुट डिसाइड करता है ये सोच के कि उसका राइवल जो है अपना आउटपुट कॉन्स्टेंट रखेगा उसके बाद मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए कि जो टोटल आउटपुट अगर आपसे पूछे कि मार्केट में कितना होगा कॉर्नर डुप्ली के केस में तो वो होगा एन अपोन में एन प्लस वन ऑफ टोटल डिमांड और ईच फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही होगी वन अपॉन में एन प्लस वन ऑफ टोटल डिमांड इसके अलावा हमने पढ़ा कि कॉर्नर डोपली के सॉल्यूशन में क्या होता है आउटपुट जो होता है टू थर्ड होता है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट का और मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट किस केस में होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में तो हम कह सकते हैं कॉर्नर डोपली मॉडल के केस में क्या होता है आउटपुट जो होता है टू थर्ड होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का और कॉर्नर डोपली मॉडल में प्राइस जो होता है वो टू थर्ड होता है मोनोपली का या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिटेबल प्राइस का टू थर्ड होता है क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम प्रॉफिटेबल प्राइस किस केस में होता है मोनोप्ली के केस में होता है तो कॉर्नर डुप्ली सॉल्यूशन में जो प्राइस होता है वो टू थर्ड होता है मैक्सिमम प्रॉफिटेबल प्राइस का आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बी सेफ कीप लर्निंग जय हिंद धन्यवाद